जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यन चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि NTPC के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के, तो NTPC की तैयारी कैसे करें और NTPC की तैयारी में कौन कौन सी बुकें जो होंगी आपको कारगर सिद्ध होंगी, जो सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगी, वो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप 100 में से 85+ स्कोर करेंगी, निश्चित रूप से करेंगे आप, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं और आते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में एक पेपर नहीं बनते, ऑनलाइन में डेली कम से कम दो पेपर होते हैं और महीनों पेपर चलते हैं, तो 60-70 पेपर तो आराम से होते हैं। इस प्रकार से जो है मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूंगा और उनसे आप पढ़ें, निश्चित आप सफल होंगे। तो मैं पहली बुक आपको बता रहा हूं, जो मेन बुक है वो है लूसेंट की, ठीक है ना। ये लूसेंट की बुक है, लूसेंट में आप अपडेट वर्जन ले सकते हैं, ये सामान्य ज्ञान में लूसेंट में ये 400 पेज की समथिंग लगभग बुक है, तो इसको आप जरूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन आएंगे। जो सामान्य ज्ञान का जो 40 नंबर का आना है पार्ट, उस पार्ट्स में से इससे फंसेंगे। और नेक्स्ट जो बुक है रेलवे की ही है, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की स्पीडी, ये रेलवे वाली जो स्पीडी है इसको भी निश्चित रूप से आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आते हैं, और अपडेट वर्जन है बिल्कुल नया, इसका लेटेस्ट जो अभी हो मार्केट में, और इसमें जो है सेट्स वगैरह दिए हुए हैं पूरे, तो जो पूर्व में जो पेपर हुए हैं उस पेपरों में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कहां से आएंगे, वो आपको जो है इसमें पूरे मिल जाएंगे, और सही सटीक तरीके से उत्तर भी दिए हुए हैं। तो ये आप देख ले, रेलवे सामान्य अध्ययन के नाम से जारी होती है, ये बुक आप ले लें, ठीक है। और इसके लिए जो है करंट अफेयर्स जो आएगा, करंट अफेयर्स ये तो हो गए, करंट अफेयर्स के लिए ये वार्षिकांक आता है, ठीक है, वार्षिकांक है करंट अफेयर्स का, ये 2023 का है, 2024 का भी आ गया होगा, 6 माह ही आया होगा अभी, और वार्षिकांक भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 सितंबर से अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक का है। इसी प्रकार जो है आप ये करंट अफेयर्स के लिए उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और मैं आपको बता रहा हूं कि जो रेलवे की है, रेलवे की जो गणित है, रेलवे के गणित के जो क्वेश्चन है वो इससे उठते हैं, ठीक है। ये पूरा रेलवे के जो गणित का है रुक्मणी का, इसमें पूरे आपको सेट दिए रहेंगे, आप इनसे लगा के हल करिए, और मैं जो सेट पेपर आपको पढ़ा रहा हूं मैं भी वो इसी से बता रहा हूं। बाकी इसमें लॉन्ग ट्रैक है, आप मेरा वीडियो देखिए, मैं शॉर्ट ट्रैक भी बताया हूं उसमें। तो ये जो बुक बता रहा हूं इसमें, ये आपको मैथ्स की है, केवल इसमें मैथ्स है, वो चाहे RRB NTPC की हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो, इसमें सभी प्रकार की मैथ्स जो है रेलवे संबंधित वो मैथ्स हैं इसमें, ठीक है। अब अगर मान लो आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, तो रीजनिंग की भी क्लास आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके जो है 100 में से 85 नंबर 100% आएंगे। फिर आप चाहे जिस वहां से सिलेक्शन हो, किसी भी उससे जोन से भरे हो, आप किसी भी जोन से भरे हो, 85+ नंबर आएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने जो चार बुक बताई हैं, आप ये बुकों को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अवश्य रूप से पढ़ें। और ये जो मैं बुक बताया, जो अभी नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो 12th पास किए और 18+ हो चुके हैं और वो तैयारी करके रेलवे में होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये है, ठीक है, 12th पास वालों के लिए। और जो कॉम्पिटिशन में है तो वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, आपको अगर गणित पढ़ना है तो आप और अच्छे तरीके से दूसरी बुकें भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना पढ़ेंगे आप, इसमें पेपर सेट हल लगाएंगे, तो निश्चित आपके जो है 85+ नंबर आएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।